संत शिरोमणि रविदास जयंती पर दतिया के वृंदावन धाम में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिव्यांग छात्र छात्राओं के बीच पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया और सहायता उपकरण वितरित किए। इस दौरान गृहमंत्री ने कांग्रेस द्वारा किए गए डेढ़ साल के शासनकाल पर हमला करते हुए कहा कि उनके शासन में न तो दिव्यांगों का सम्मान हुआ, न ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए, सिर्फ सेल्फी और ट्विटर पर काम हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सिर्फ वीडियो वायरल किए, उन्होंने कार्यक्रमों में किसी भी महापुरुष को याद नहीं किया। सरकारें इनसे पहले भी थी, अभी 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही भी थी, तो 15 महीने में आपने कभी ऐसे दिव्यांगों को उपकरण बढ़ते देखे थे या अंतर्मुखी होना आपने? अभी परसों दीवा की राष्ट्रपति दीवा तो उस समय भी होता होगा उस 15 महीने में, पर राशि आपने बढ़ती हुई कभी देखी क्या? इसके पहले भावांतर की राशि बांटी, एमएसपी की उन्होंने घोषणा की थी, अंतर की राशि देने की कांग्रेस ने, कभी आपने बढ़ती देखी क्या? अब तो बढ़ रही है, अगर तब बढ़ सकती थी तो क्यों नहीं बढ़ी? और वो पैसा से गया था, इतनी बड़ी बड़ी राशि जो आती है, परसों जो बीमा की 6,500 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में गई, क्यों नहीं बटी? नहीं बटी तो नहीं कहा। ये दिव्यांग जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नाम बदल दिया, वैसे तो उन्होंने पूरा देश ही बदल दिया। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के संत रविदास जयंती